खबर देंगे मुल्तान से। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर 25 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। ईद की छुट्टियों के बाद जल्द तनख्वाहें देने का फैसला किया गया। फाइनेंस डिवीजन ने बरवक्त तनख्वाह अदायगी की मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से चंद रोज में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर 25 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जबकि ईद की छुट्टियों के बाद जल्द तनख्वाहें देने का फैसला किया गया है। फाइनेंस डिवीजन ने बरवक्त तनख्वाह अदायगी की मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से चंद रोज में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर 25 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जबकि ईद की छुट्टियों के बाद जल्द तनख्वाहें देने का फैसला किया गया है। फाइनेंस डिवीजन ने बरवक्त तनख्वाह अदायगी की मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से चंद रोज में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर 25 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जबकि ईद की छुट्टियों के बाद जल्द तनख्वाहें देने का फैसला किया गया है। फाइनेंस डिवीजन ने बरवक्त तनख्वाह अदायगी की मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से चंद रोज में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर 25 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जबकि ईद की छुट्टियों के बाद जल्द तनख्वाहें देने का फैसला किया गया है। फाइनेंस डिवीजन ने बरवक्त तनख्वाह अदायगी की मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से चंद रोज में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर 25 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जबकि ईद की छुट्टियों के बाद जल्द तनख्वाहें देने का फैसला किया गया है। फाइनेंस डिवीजन ने बरवक्त तनख्वाह अदायगी की मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से चंद रोज में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर 25 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जबकि ईद की छुट्टियों के बाद जल्द तनख्वाहें देने का फैसला किया गया है। फाइनेंस डिवीजन ने बरवक्त तनख्वाह अदायगी की मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से चंद रोज में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर 25 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जबकि ईद की छुट्टियों के बाद जल्द तनख्वाहें देने का फैसला किया गया है। फाइनेंस डिवीजन ने बरवक्त तनख्वाह अदायगी की मंजूरी दे दी है।